गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है जो किसी सरफेस पर रखा है। इस ब्लॉक पे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। द फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज एफ इज इक्वल टू 2t + 3। सरफेस और ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4 है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन टाइम एट विच ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एंड सेकंड इज टू ड्रॉ इट्स 80 ग्राम। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक स्टार्ट करता है मूव करना जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगा कि ब्लॉक मूव तब करेगा जब जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू लिमिटिंग इनटू एल। तो यहां से अगर आप इसका फ्रिक्वेंसी डायग्राम बनाए, इस पे वेट लगेगा 100 नीचे एन ऊपर। तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से कह सकते हैं कि एन का वैल्यू 100 होगा। इस एन के वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो एफ जो है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब 2t + 3 40 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 2t 37 से ज्यादा। कैलकुलेट करके आ गया 18.5। तो ब्लॉक स्टार्ट करेगा मूव करना में t is greater than 18.5 से। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। तो जब तक टाइम 18.5 से कम है तो एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। और जैसे ही टाइम 18.5 से ज्यादा है तो फ्रिक्शन अब काइनेटिक होगा क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो इस पे 2t + 3 एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगेगा, म्यू काइनेटिक इनटू एल 20 न्यूटन पीछे लगेगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन ए आया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2t + 3 - 20 = 10 है। तो 2t - 17 10 है, तो एक्सेलरेशन यहां से इस फॉर्म में आ जाता है। अगर मैं चेक करूं t = 18.5 पे तो कैलकुलेट करके ये 2 आता है। तो अगर हमें इसका ग्राफ होना है तो एक्सेलरेशन 0 है जब तक टाइम 18.5 से कम ही नहीं हो रहा, तो ग्राफ ऐसा है। उसके बाद 18.5 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 आया तो ग्राफ एकदम से यहाँ पे राइज करेगा। इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू 18.5, जो कि होता भी है। आपने देखा होगा फ्रिक्शन के ग्राफ में अगर हम किस सरफेस पे हमने ब्लॉक रखा हुआ है तो जो ग्राफ बनता है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स का, उसमें किंक आता है। किंक मतलब सडन चेंज, अब्रप्टली फंक्शन राइज करेगा एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से फिर ये स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ और स्लोप इसका पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो दिस विल बी द ग्राफ। आई होप इट वर्क फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।